को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंड टीनेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम इंटरनेट है। दोस्तों जो आज का टॉपिक है कई बार इंटरनेट से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इंटरनेट के बारे में तो आपसे बात की जाए और एक वीडियो बनाया जाए। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दोस्तों आप नेट जीआरएफ लेना चाहते हैं तो आप जो है फर्स्ट पेपर का ज़्यादा अध्ययन करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपको जो है एक अच्छा स्कोर दिला सकता है। और साथ ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, फर्स्ट पेपर का जो भी सिलेबस है उसका जो भी टॉपिक है प्रत्येक टॉपिक को अध्ययन करें, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं किस टॉपिक से आते हैं आ जाएं और आपके, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ये भी बता दूँ आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, जो भी सिलेबस है उसी से आता है। आपके फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट्स हैं और काफ़ी ब्रॉड सिलेबस हो जाता है, लेकिन फिर भी आप जो है सेकेंड पेपर की अपेक्षा आपका सिलेबस कम है। और साथ ही दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी अध्ययन के बाद जो वीडियो बहुत सारी आपको हर टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, कुछ वीडियो बना चुके हैं, कुछ वीडियो और आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ 20-20 क्वेश्चन के बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेट आपको प्रोवाइड करा जा रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो और आपने 20-20 क्वेश्चन के कम से कम 100 सेट जो दिए जा रहे हैं ये आपने अगर पढ़ लिए, अध्ययन कर लिया, तो मैं आपको वादा करता हूँ दोस्तों आपको नेट जीआरएफ लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो और कुछ आपको जो है इनके अलावा रिपीट क्वेश्चन या ऐसे टॉपिक जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वह क्वेश्चन भी और साथ में उस टॉपिक की पूरी डिटेल भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो दोस्तों यह आप सब देखते हैं अगर हमारे YouTube चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके, तो आपको बहुत सारे और हिंदी माध्यम से, मैं दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, मैंने इतनी सारी वीडियो देखी, मैंने इतने चैनल देखे, लेकिन वे हिंदी माध्यम वालों के लिए पूरा हिंदी तौर पे जो है कोई भी YouTube चैनल पे इतना ढंग से नहीं आपको हिंदी में प्रोवाइड करता। मैं आपको एक एक चीज़ हिंदी माध्यम से और वो भी टाइप करके साथ में बता भी रहा हूँ और हर चीज़ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं इंटरनेट पर। तो इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेशनल नेटवर्क का शॉर्ट का संक्षिप्त नाम है। सन 1969 में अमेरिका में एप्रा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने 4 विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर के नेटवर्क करने के लिए इंटरनेट या जिसको अर्पानेट की शुरुआत की थी। तो दोस्तों सबसे पहले कब? 1969 में। तो अगर इसका पहले जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया इंटरनेट कब शुरू हुआ, तो 1960 दशक दिया था उसमें, तो आप 1960 के दशक में बोल सकते हैं। और कहाँ पे हुआ था? तो यह अमेरिका में। उसका पहला नाम क्या था इंटरनेट से? तो अर्पानेट था। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, अर्पानेट क्वेश्चन वाले पूछा जा चुका है। आज जो दोस्तों विश्व के 160 देश इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, अभी ज़्यादा ही होंगे, 160 लगभग हैं। और इंटरनेट क्या है? बहुत सारे कंप्यूटरों का जाल है। क्या है? इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटरों का जाल है। इंटरनेट के जन्मदाता जो है टिम वर्नर्स थे, ये दोस्तों आपको पता होगा। और क्वेश्चन भी आ चुका है नेट के एग्जाम में कि इंटरनेट के जन्मदाता कौन है? टिम वर्नर्स हैं। इंटरनेट का उद्भव 1960 के दशक में हुआ था, तो यह क्वेश्चन भी दोनों आ चुके हैं। सबसे पहले अर्पानेट नेटवर्क का विकास हुआ, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंटरनेट से पहले किसका विकास हुआ था, या इंटरनेट के पहले जो विकास हुआ उसका क्या नाम था? तो अर्पानेट। यह तीनों जो पॉइंट हैं, ये क्वेश्चन हर एक बार नहीं, दो तीन दिन बार रिपीट हो चुके हैं। इंटरनेट आधारित संचार सबसे पहले किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो सैनिक उद्देश्य के लिए। दोस्तों यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि इंटरनेट आधारित संचार सबसे पहले किस उद्देश्य के लिए इंटरनेट यूज हुआ था? तो सैनिक उद्देश्य के लिए। अब चलते हैं दोस्तों, इंटरनेट कनेक्टिविटी निम्न प्रकार से की जाती है। इसमें है मेनली हमारा मकसद कि आप जो इंटरनेट को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है पिछला एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, उसमें 3 क्वेश्चन इसमें दिए थे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, केबल कनेक्शन या ब्लूटूथ, और एक ऐसा ऑप्शन दिया था जो नहीं कनेक्ट कर सकते उससे। तो दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए डायल अप कनेक्शन के द्वारा आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं,
केबल है आपके पास तो उसके द्वारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कनेक्शन होता है उससे कर सकते हैं। सैटेलाइट कनेक्शन है तो आप तब भी इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। वो ब्लूटूथ से अगर आपके पास भी इंटरनेट नहीं है लेकिन आपके साथ ही या किसी के साथ किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन है और आप ब्लूटूथ के द्वारा जो है आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, वाईफाई के द्वारा भी हो सकते हैं और ब्रॉडबैंड कनेक्शन कैसे भी हो सकते हैं। तो ये इंटरनेट संबंधी क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको भी आपको बता रहा हूँ। अब है आवश्यक यंत्र कौन कौन से हैं, तो जो ब्रॉडबैंड आपका कनेक्शन है उसके लिए आवश्यक तंत्र कौन कौन से हैं, तो मॉडेम होना चाहिए, हब, ब्रिज, राउटर और गेटवे, ये सब जो है आपको ब्रॉडबैंड के लिए आवश्यक है। अब बात आती है कि हम इंटरनेट नेट और नेट करते रहते हैं अपन नेट ये, लेकिन है क्या तो नेटवर्क, जब दो से दो, जब अब हमने इंटरनेट पढ़ लिया और पता चल गया कि दो जो विश्व के बहुत सारे कंप्यूटरों का जाल है तो नेटवर्क क्या है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक पारस्परिक जुड़े कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्ति और उनके जोड़ने वाली युक्ति तथा जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा इलेक्ट्रिक सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम तार या बेतार से जुड़ा हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क में सूचना का आवागमन एक विशेष परिपाटी में होता है जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं। तो दोस्तों आप नेटवर्क के बारे में समझ गए होंगे, इसमें क्या दो कंप्यूटर आपस में, दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और यह जो है डिजिटल युक्ति की जोड़ने वाली व्यवस्था को हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क द्वारा जो है जो इलेक्ट्रिक सूचनाएँ हैं उनको हम आदान प्रदान करते हैं और इसके साथ साथ ही यह जो है तार से भी, केबल से जुड़ा हो सकता है और बिना तार के भी वाईफाई से भी जुड़ा हो सकता है। और जो हम इसमें जो इलेक्ट्रिक सूचना का आदान प्रदान करते हैं ये एक परिपाटी है जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो दोस्तों ये नेटवर्क के बारे में एक विशेष जानकारी आपको, और एक साथ एक चीज़ ये बता दूं, आप कहीं भी पढ़ लें इतनी डिटेल से आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। और नेटवर्क की संरचना क्या है, नेटवर्क किस किस तरह का है, तो बस नेटवर्क है, रेखीय नेटवर्क बोलते हैं, स्टार टाइप का भी नेटवर्क होता है, रिंग नेटवर्क होता है, मैश नेटवर्क होता है, फुल कनेक्टिविटी नेटवर्क होता है, ट्री नेटवर्क होता है, लाइन नेटवर्क होता है, ये सब जो है। और दोस्तों इससे क्वेश्चन आ चुका है नेटवर्क की संरचना, तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेटवर्क का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो नेटवर्क का वर्गीकरण सबसे पहले होता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, फिर होता है उसके बाद वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। दोस्तों तीनों जो ऊपर के मैं बता रहा हूँ, चौथा भी VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये चारों तो फुल फॉर्म भी दो तीन बार पूछी जा चुकी हैं और इसके विस्तार ये ऑप्शन में भी पूछा गया है कि लैन क्या है, मिलाप में भी पूछा गया है। कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, VLAN वर्चुअल लाइन एरिया नेटवर्क, ये सब नेटवर्क का वर्गीकरण है। इस तरह से वर्गीकरण किया गया है लैन वैन मैन VPN कैन VLAN। तो दोस्तों आज का जो है नेटवर्क के संबंधी इतना ही जानकारी, और कुछ जानकारी इससे संबंध मिलेगी या क्वेश्चन इससे अलग आए होंगे तो मैं आपको पक्का इसी वीडियो किसी मटेरियल के साथ जोड़ के और प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि जो नेटवर्क से मैंने क्वेश्चन देखे हैं वो इसी के संबंधी ज़्यादा आए हैं, इनसे ही रिपीट हुए हैं, तो मैंने आपको इस तरह का वीडियो प्रोवाइड कराया एक साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।